हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी गैन मैं आपके एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी गैन यूट्यूब चैनल पे क्षमा चाहता हूं दोस्तों जो थोड़ा बहुत गैप आ चुका था लेक्चर्स के दौरान क्योंकि मेरी तबीयत लगातार ख़राब होती जा रही थी और नाउ आई एम फीलिंग बेटर तो चलिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज़ शुरुआत की थी अरिहंट पब्लिकेशन की तो पहला चैप्टर हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है दोस्तों जो कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर था आज हम आ, जो है पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर इस बार मैं सारे जो है वीडियोस रिकॉर्ड कर दूंगा जल्दी ताकि आपको भी जो है जल्द से जल्द ये सारी किताब भी कंप्लीट कर सके और आप इसका रिविजन भी कर सकें दोस्तों ओके तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जल्दी हमारे चैनल में जो है स्पीडी करंट अफेयर्स का जो लेटेस्ट एडिशन है जी हाँ जो दिसंबर का वर्जन है वो मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ दोस्तों ओके okay? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आ जाएगा आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों ओके okay? तो लेट स्टार्ट विद कंप्यूटर आर्किटेक्चर सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील्स विद द फंक्शनल बिहेवियर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एज व्यूड बाई प्रोग्रामर दोस्तों जी हाँ जितना भी फंक्शनल बिहेवियर होता है कि जितना भी हम इनपुट डेटा उसको दिया जाता है और वो हमको आउटपुट निकाल के देता है ना ये सारा कुछ फंक्शनल बिहेवियर के अंदर आता है इट ऑल्सो डिस्क्राइब एज लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम यूनिट दट हाउसड इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेट्स जी हाँ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम और पहला जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो इंट्रोड्यूस किया गया था नाइनटीन सेवेंटी में दोस्तों ओके okay. सो so, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इन्होंने जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर आपने बहुत बार किताबों में या आपके स्कूल्स में भी आपने देखा होगा कि प्राइमरी स्टोरेज यूनिट होता है उसके बाद ए होता है अर्थोमेटिकल लॉजिकल यूनिट उसके बाद कंट्रोल यूनिट होता है दोस्तों राइट सॉरी इनपुट हम लोग देते हैं की तो, uh, हो गया या फिर थ्रो माउस देन आउटपुट जो है वो हमको डेस्कटॉप uh, में दिखाया जाता है सारा कुछ प्रोसेस किया जाता है सो कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें देखिए इनपुट आउटपुट यूनिट हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी यूनिट दोस्तों चलिए एक एक के बारे में मैं आपको डिटेलली समझाता हूँ थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ इसको करेक्ट सो इनपुट की बात करें यहाँ पे देखिए द कंप्यूटर एस एक्सेप्ट कोडेड इन्फॉर्मेशन थ्रू इनपुट बाय द यूज़र ठीक है इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू गिव रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर जैसे कि कीबोर्ड माउस मैं भी आपको बताया ना उसके जरिए से जो है हम लोग इनपुट देते हैं

वही आपको मॉनिटर पे प्रिंटर पे प्लॉटर पे डिस्प्ले किया जाता है दोस्तों ओके सॉरी द फॉलोइंग फॉलिंगस आर परफॉर्म बाई आउटपुट इन जैसे इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर विच आर इन कोडेड फॉर्म हेन्स के नॉट बी इजली अंडरस्टूड बाई यूजर इट कन्वर्ट्स दिस कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द यूजर ऑल्सो उसके बाद आता है सीपी यू जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों कंप्यूटर का क्योंकि सी पी यू है मेन फंक्शन जो है सारे फंक्शनल बिहेवियर को परफॉर्म करता है दोस्तों इट कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर अर्थेमेटिकल लॉजिकल यूनिट ओके कंट्रोल यूनिट ये तीनों ने मिलकर जो है क्या क्या इंटरप्रेट करते हैं लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में इसको इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेजेस को देंट द सी पी यू ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट डेटा फ्रॉ मेन मेमोरी टू रजिस्टर द सी पी एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन द स्टोर्ड सीक्वेंस वन नेसेसरी सीपी यू ट्रांसफर आउटपुट डेटा फ्रॉम रजिस्ट्री टू मेन मेमोरी ऑल्सो राइट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है जी हाँ अगर ब्रेन ब्रेन नहीं होगा इंसान इंसान में जो है दिमाग नहीं है तो ऑब्वियसली उसको एक कैटेगरी के अंडर ढकल दिया जाएगा राइट एक मेंटल कैटेगरी के अंडर अनस्टेबल कैटेगरी के अंडर तो इसी तरह <coughs> आपका कंप्यूटर भी अनस्टेबल हो जाएगा जब सी पी यू ठीक से काम नहीं करेगा इसलिए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसको कहा जाता है एंड द सी पी यू इज़ फैब्रिकेटेड एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर ठीक है

उसके बाद अर्थोमैटिक ऑपरेशन हो गए दोस्तों एडिशन सप्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो गया उसका बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन हो गया या फिर कंपेरिजन ऑपरेशन हो गया ये सारा कुछ होता है इसमें राइट उसके बाद आता है, है हमारा कंट्रोल यूनिट ओके सो सी यू कॉर्डिनेट्स विद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू कैरी आउट स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय कम्युनिकेटिंग विद ए एल यू एंड द रजिस्टर ठीक है ये क्या क्या काम करता है ये आपको कंप्यूटर को डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट हमने इंस्ट्रक्शंस उसको दिए हैं वो जो है उसको डेटा को प्रोसेस करके राइट right, जो मशीन लैंग्वेज में हमने दिया होगा उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमको रिक्वायर्ड डेटा यहाँ पर भेजता है दोस्तों डिस्प्ले करता है राइट सो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है इट इज़ ए कंट्रोलिंग एलिमेंट इन द कंप्यूटर सिस्टम एंड द सम टाइम रेफर टू ए चिप ठीक माइक्रो प्रोसेसर इज़ द मेन हार्डवेयर द ड्राइवज़ द कंप्यूटर इट इज़ लार्ज प्रिंटेड सर्क्यूट बोर्ड होता है दोस्तों जो कि सारे कुछ उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं जो सारे के सारे परफॉर्म किए जाते हैं जैसे आपने देखा होगा इंटेल के कई सारे माइक्रो प्रोसेसर आते हैं अभी तो आई नाइन जाने कितने जनरेशन आ चुके हैं सो इंटेल इंटेल कोर आई सेवन डूल कोर पेंटियम पेंटियम तो बहुत ही पुराना है अभी इंटेल आई नाइन भी चल रहा है जनरेशन ये सारा माइक्रो प्रोसेसर है जो आपके कंप्यूटर को अच्छे परफॉर्म करने में मदद करता है नेक्स्ट मेमोरी यूनिट की बात करें दिस यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल टू स्टोर प्रोग्राम्स और डेटा ऑन ए टेम्पररी परमानेंट बेसिस जी हाँ दोस्तों ओके okay? आपने देखा होगा रैम होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी राइट बहुत सारे होते हैं इसमें जो टेम्पररी डेटा स्टोर किया जाता है दोस्तों इट्स हैज ए प्राइमरी मेमोरी जो कि मेन मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है ऑक्जलरी मेमोरी होती है दो हाउ मेनी टाइप्स टाइप्स ऑफ ऑफ मेमोरी मेमोरी यूनिट यूनिट विल बी टू एक प्राइमरी मेमोरी हो गया और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी हो गया दोस्तों ठीक है द इनपुट डेटा विच इज टू बी प्रोसेस इज ब्रॉट इन टू मेन मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग ठीक है अनदर काइंड ऑफ मेमोरी इज रेफर टू सेकेंडरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम

राइट right? मदरबोर्ड अगर ख़राब हो गया तो एंटायर सिस्टम ही आपको ख़राब हो जाएगा उसमें कई तरह के स्लॉट्स दिए जो होते हैं यू पोर्ट्स दिया हो जाता है आप चाहे तो इसमें ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं राइट right? तरह तरह के डिवाइसेस भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इसके ज़रिए से डीवीडी ड्राइव हो गया सब कुछ ओके okay? ये जो क्या बोलते हैं कीबोर्ड हो गया माउस हो गया सारा कुछ उसी को कनेक्ट होता है दोस्तों इसके बाद बात करें कॉम्पोनेंट्स और मदरबोर्ड क्या क्या वेरियस कॉम्पोनेट्स है जैसे सी बैटरी होता है दोस्तों उसमें राइट right? एक फैन दिया जाता है ताकि वो हीट हो जाता है ना इसीलिए लैपटॉप्स में आपको ज्यादा फील होता है ओके सी पी यू के पीछे आपने देखा होगा उसके बाद बयास चिप होती है एक्सपेंशन स्लॉट होता है दोस्तों पी सी आई स्लॉट होता है प्रोसेसर चिप होती है बुशस होते हैं ये सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स हैं मदर बोर्ड के उसके बाद इंटर कनेक्शन ऑफ यूनिट्स की बात करें सीपी यू सेंट्स डेटा इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन टू द कॉम्पोनेट इनसाइड द कंप्यूटर एज वेल एज टू द फेरीफल डिवाइज अटैच टू इट दोस्तों बस इज अ सेट ऑफ वायर्स यूज फॉर इंटर कनेक्शन कैन कैरी वन बिट ऑफ डेटा और अदर वर्ड्स की बात करें बस जो है एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पाथवे होता है नथिंग बट याद रख लीजिए आप कि एक यू नो रोड है बस इज रोड है जहां पे जो है आपका डेटा जाने लगता है पाथवे है ताकि पर, अपने पर्टिकुलर जगह पर जाके उसको प्रोसेस करके और हमको डिजायर आउटपुट दिखाया जाता है दोस्तों कंप्यूटर बस कैन भी डिवाइडेड टू टू टाइप्स इंटरनल बस ओके विच कनेक्ट्स कंप्यूटर इनसाइड द मदर बोर्ड लाइक सी पी यू सिस्टम मेमोरी और यहाँ पे आपको कई तरह के डिफरेंट बसेस भी होते हैं उसके टाइप्स की बात करें तो कंट्रोल बस एक होता है एड्रेस बस एक होता है और डेटा बस एक होता है दोस्तों ठीक है याद रख लीजिए कंट्रोल बस एड्रेस बस और डेटा बस ये तीनों बस जो है इंटरनल बस का ही हिस्सा है जी हाँ तो पहला है हमारा कंट्रोल बस व्हाट इज कंट्रोल बस द कमांड टू एक्सेस द मेमोरी ओके और द इनपुट डिवाइज इज़ कैरिड बाय द कंट्रोल बस ठीक है उसका द एड्रेस ऑफ द इनपुट डिवाइज और मेमोरी इज़ कैरिड बाय एड्रेस बस और डेटा ट्रांसफर जो करता है उसको डेटा बस कहते हैं नाम में ही आपको पता चल रहा होगा उसके बाद एक्सटर्नल बस की बात करें इट कनेक्ट डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइस फेरीफरल्स एक्सपेंशन स्लॉट्स ओके ये सारा कुछ आपको देखने को मिलता है एक्सपेंशन स्लॉट्स वगैरह एक्शनल बस में आते हैं उसके बाद टिडबिट्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है यूपीएस का फुल फॉर्म देखिए क्या है बहुत लोगों को पता नहीं होता है अन इंटरप्टबल पावर सप्लाई दोस्तों एक इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिकल अपैरेटस उसके बाद हो गया बफर व्हाट इज बफर बफर इज अ टेम्पर स्टोरेज वेयर रजिस्टर होल्ड्स द डेटा फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन ओके देखिए बफर किसे कहते किसी चीज का बफर रखना मतलब क्या है किसी चीज को स्टोर कर करके रखना ओके okay? भाई अभी दुकान में जो है चावल का दाल का ये लोग क्या करते हैं बफर रखते हैं मतलब अब उनके दुकान में अगर सडनली हो जाए तो अपने बफर से निकाल के अपने स्टोरेज से निकाल के दिया मतलब तो टेम्प्रोरी स्टोर किया जाता है ठीक है एक्यूमेलेटर की बात करें इज अ रजिस्टर इन ए सी पी यू विच इंटरमीडिएट अर्थोमेटिक एंड लॉजिकल रिजल्ट और स्टोर दोस्तों ठीक okay. है जितने भी अर्थोमेटिक uh, जो लॉजिकल रिजल्ट होते हैं जब हम डेटा उनको प्रोवाइड करते हैं ना तो वो किस में स्टोर किया जाता है एक्ूमलेटर में ठीक है द स्पीड ऑफ प्रोसेसर किस में मेजर करते हैं दोस्तों मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड इसे हम और मेगा हर्ट्स इसको कहा जाता है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डी एम ए की बात करें डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज ए मेथड दट अलाउज एन इनपुट आउटपुट डिवाइजेस टू सेंड और रिसीव डेटा डायरेक्टली टू और फ्रॉम मेन मेमोरी डी एम ए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज नथिंग बट यहाँ पर जो है जितने भी इनपुट आउटपुट डिजाइस हैं हम लोग अभी माउज यूज कर समझ लीजिए या फिर की बोर्ड यूज कर लीजिए हम लोग डायरेक्ट हमारे मेन मेमोरी से डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दे ठीक है नेक्स्ट हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या किस तरह से काम करता है देखिए इट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट द टेक्स प्रस इंस्ट्रक्शन इज रीड फ्रॉम मेमोरी एंड एग्जीक्यूटेड पहले क्या होता है फेच ओके फेचिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी आप क्या उनको दे रहे हैं डेटा क्या दे रहे हैं वो फेच करता है दोस्तों उसके बाद उस डेटा uh, uh, को ये लोग डी करते हैं दोस्तों राइट right? उसके बाद फिर एग्जीक्यूट किया जाता है इंस्ट्रक्शंस को देन फाइनली इट विल गेट इन स्टोर अब जहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं अपने हार्ड डिस्क में या कहीं पे भी हो आप स्टोर करना चाहते हैं तो यू कैन स्टोर सो स्टोर इज अ फाइनल स्टेप तो आपको एस uh, एस में इस तरह से पूछ सकता है कि फैचिंग के बाद क्या एग्जीक्यूट आता है या फिर फैचिंग के बाद डायरेक्ट स्टोर कर सकते हैं इस साइकिल पर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं राइट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करें देखिए कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन ओनली इन टर्म्स ऑफ जीरोस एंड वन यानी इसे बाइनरी कोड्स कहा जाता है जीरो एंड वन में उसी में उसको लैंग्वेज समझ में आती है मशीन लैंग्वेज इसको कहते हैं दोस्तों राइट right? कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन द स्टेप्स टू बी परफॉर्म प्रोसेसर दो तरह के इनपुट्स होते हैं जो प्रोसेसर मैंने बताया था आपको एक इंस्ट्रक्शन होता है इंस्ट्रक्शन टिल द प्रोसेसर वॉट एक्शन आर नीडेड टू बी परफॉर्म फ्रॉम द डेटा ओके एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द डिवाइडेड टू पार्ट ऑपरेशन मोड एंड ऑपर एंड दोस्तों बात करें तो टिट बिट्स की सो मिशन साइकिल इज डिफाइंड बाय द टाइम द टेक्स टू फेच टू ऑपरेश फ्रॉम रजिस्टर एंड परफॉर्म ए एलू ऑपरेशन एंड स्टोर द रिजल्ट इन ए रजिस्टर मशीन साइकिल होती क्या है जो मशीन साइकिल हमने देखा ना अभी वो इंस्ट्रक्शन साइकिल है डोंट कन्फ्यूज विद मशीन साइकिल इज डिफेंड बाई द टाइम दट टेक्स टू फेस टू ऑपरेशन परफॉर्म एलू ऑपरेशन ओके पाइप लाइनिंग की बात करें इट इम्प्रूवस एग्जीक्यूशन स्पीड बाई पुटिंग द एग्जीक्यूशन स्टेप्स ऑफरल इंस्ट्रक्शन सॉकेट्स आर द कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ चिप ऑन मदर बोर्ड ठीक है चलिए अभी हम आ चुके हैं क्वेश्चन बैंक पे जो जो हमने अभी पढ़ा ना उसके पर ये क्वेश्चन पूछेंगे देखते हैं कितना आपको याद है पहला क्वेश्चन है चलिए पहला क्वेश्चन है द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर क्या कर सकता है दोस्तों कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस कर सकता है ठीक है एंड डेटा स्टोरेज डेटा मूवमेंट ओके डेटा कंट्रोल तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन फाइव इज द राइट आंसर दोस्तों ठीक है डैश फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम दैट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर ही नहीं है तो आप कंप्यूटर सिस्टम ही कैसा बनाएंगे सॉरी द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर नाइनटीन सेवेंटी में इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विथ सर्किट बोर्ड इज यूज इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एज कंप्यूटर कैलकुलेटर्स डिजिटल सिस्टम्स में क्या यूज़ किया जाता है सो आर्किटेक्चर यूज किया जाता है दोस्तों एंड द सिस्टम यूनिट सिस्टम यूनिट क्या इज अ कंटेनर दट हाउस इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल और ए प्लास्टिक केस दट होल्ड्स ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर तो ऑप्शन वन हो गया दोस्तों सिस्टम यूनिट इसे कहा जाता है नेक्स्ट आता है हमारा द कॉम्पोनेंट दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आई बी में भी पूछा गया था तो करेक्ट आंसर है इसको ऑप्शन थ्री हो गया दोस्तों सिस्टम यूनिट विच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर कौन रिस्पॉन्सिबुल नहीं है नंबर ऑफ कीस इन द कीबोर्ड ऑब्वियसली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एंड डैश डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज सेंट टू सी पी यू तो उसे क्या कहते हैं ऑप्शन ए हो गया दोस्तों इनपुट डिवाइस ओके जो भी हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो इनपुट डिवाइस से ही देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स एज ए टाइप ऑफ इनपुट दैट इज ऑप्शन फाइव ऑल ऑफ दिस जैसे डेटा प्रोग्राम्स कमांड्स एंड यूजर रिस्पॉन्स ओके नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ऑप्शन बी हो गया दोस्तों दैट इज इनपुट इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स डेटा इन कंप्यूटर इन दैट इज ऑप्शन टू हो गया दैट इज एक्सेप्टेबल एंड द यूनिट सेंड्स द प्रोसेस रिजल्ट टू द यूजर तो ये भी ऑप्शन टू हो गया दोस्तों आउटपुट ठीक है रिजल्ट जो है कहाँ पे दिखाया जाता है हमको आउटपुट में दिखाई देता है ठीक है सो आउटपुट यूनिट इंक्लूड्स क्या इंक्लूड होता है इसमें सारा कुछ प्लॉटर हो गया ओके okay, प्रिंटर हो गया मॉनिटर हो गया सारा कुछ इसमें इंक्लूड होता है दोस्तों एंड दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू टू एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्क्यूस तो कौन सा प्रोसेस है वो दैट इज ऑप्शन सी हो गया सीपीयू क्लियर चलिए नेक्स्ट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सी में क्या होता है ये मैंने आपको क्लियरली बताया था दोस्तों कंट्रोल यूनिट होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है और मेमोरी यूनिट होता है दोस्तों ठीक है ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर डोंट कंफ्यूज विद द ओके ऑप्शन टू ओके सो ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर नेक्स्ट विच इंस्ट्रक्शन इज यूज फॉर लोडिंग डेटा इन टू सी पी यू एकटर रजिस्ट्री फ्रॉम मेमोरी की बात करें तो ऑप्शन वन हो गया दोस्तों लोड ओके नेक्स्ट ने कंप्यूटर एट एंड कंपेयर डेटा दैट इज ऑप्शन थ्री हो गया सीपीयू चिप ओके नेक्स्ट वट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर की बात करें ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं सी को कहते हैं दोस्तों ओके है सी पी यूज फेब्रिकेटेड एज ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्क्यूट जिसको हम uh, क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड ऑप्शन टू दैट इज माइक्रो प्रोसेसर ओके नेक्स्ट सी पी चिप यूज इन ए कंप्यूटर इज पार्शली मेड ऑफ किस चीज़ का उसको uh, बनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है तो करेक्ट आंसर इसको दैट इज़ ऑप्शन फोर सिलिका से बनाया जाता है दोस्तों ठीक है चलिए द मेन जॉब ऑफ सीपी यू क्या है द मेन जॉब ऑफ इज दट इज कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ऑप्शन वन एंड नेक्स्ट प्रोसेस डेटा एंड इन्फॉर्मेशन दोस्तों ऑप्शन थ्री सो फोर इज द राइट आंसर बोथ वन एंड थ्री द मेन पर्पज ऑफ टाइम शेयरिंग टेक्निक्स यूज इन कंप्यूटर इज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ ऑप्शन वन हो गया दोस्तों सीपीयू ओके चलिए नेक्स्ट द सी पी यू इज मेडअप ऑफ टू स्मॉलर कॉम्पोनेट्स की बात करें तो ऑप्शन वन हो गया ए एल यू एंड सी यू ओके इसका द सीपीयू कंप्रेज ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड यूनिट्स तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन टू हो गया अर्थेमैटिक एंड लॉजिकल यूनिट ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ कंप्यूटर तो टू कंपेयर नंबर्स ऑप्शन टू इज द राइट आंसर ओके सो विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड द अर्थेमेटिक लॉजिकल यूनिट की बात करें तो ऑप्शन फोर हो गया दोस्तों सी राइट आंसर है एंड विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेरिंग की बात करें तो ऑप्शन वन हो गया ए एल यू ओके नेक्स्ट पिक द वन दैट इज़ यूज फॉर लॉजिकल ऑपरेशन और कंपेरिजन सच इज़ लेस दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन एक्सेट्रा तो इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन वन हो गया ए एल यू एंड वॉट डज अ ए एल यू इन ए कंप्यूटिंग डिनोड ए एल यू क्या कहते हैं इसको अर्थोमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहा जाता है ओके okay? इसका फुल फॉर्म है आपको ठीक है चलिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन डज द एल्यू ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म देन द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज ऑप्शन वन हो गया दोस्तों फोर ओके नेक्स्ट प्रोसेसर कंटेन एड कंट्रोल यूनिट ओके एंड से क्या कहते हैं दोस्तों दैट इज ऑप्शन फोर हो गया अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट द कंप्यूटर कमांड्स देन ऑप्शन थ्री हो गया दोस्तों दैट इज अर्थमैटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट दोनों मिलकर जो है कंप्यूटर कमांड्स को एग्जीक्यूट किया जाता है ओके okay. चलिए नेक्स्ट बिच यूनिट इज कॉम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म्स अर्थमैटिक एंड बिट वाइज ऑपरेशन ऑन इंटीजियर बाइनरी नंबर्स की बात करें तो ऑप्शन फोर हो गया दोस्तों ए एल यू क्लियर इंटरनल मेमोरी इन ए सी पी यू इज नथिंग बट क्या है वो इंटरनल मेमोरी इज नथिंग बट ऑप्शन ए ए सेट ऑफ रजिस्टर्स विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ स्मॉल सेट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेस दैट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर एंड मे होल्ड ऑन इंस्ट्रक्शन स्टोरेज एड्रेस और एनी काइंड ऑफ डेटा जहां पे स्टोर uh, किया है, है, है जाता है जिसे होल्डिंग प्लेस भी कहते हैं वो रजिस्टर है दोस्तों द पोर्शन ऑफ द सी पी यू दैट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द अदर कंप्यूटर कॉम्पोनेट क्या कहा जाता है ऑप्शन थ्री दैट इज कंट्रोल यूनिट विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सर्क्यूटरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम दैट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन फाइव कंट्रोल यूनिट ओके नेक्स्ट द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन इट्स ऑप्शन फोर हो गया दोस्तों कंट्रोल यूनिटिंग क्या है एंड कंट्रोल यूनिट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड क्या कहा जाता है इसको नर्व सेंटर कहा जाता है राइट चले नेक्स्ट सो हू इनवेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर की बात की जा रही है यहाँ पे तो ऑप्शन फोर टेड हॉफ जी ने इसको इन्वेंट किया था ए माइक्रो प्रोसेसर इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड दैट इज ऑप्शन वन माइक्रो चिप दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर कैन यूज टू मेक ए क्या बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दैट इज ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ दिस जैसे कंप्यूटर डिजिटल सिस्टम कैलकुलेटर्स इस सारे बनाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर इज अप ऑफ मिलियंस ऑफ किस चीज से बनाए जाते हैं मिलियंस ऑफ ऑप्शन बी हो गया दोस्तों ट्रांसिस्टर्स ओके okay? द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मिशिन लैंग्वेज सिर्फ मिशिन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड होता है मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विथ सी पी यू इज कॉल्ड दैट इज ऑप्शन वन हो गया दोस्तों मेन मेमोरी इसके बाद है सी पी यू डिट्राइव्स इज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ऑप्शन थ्री हो गया मेन मेमोरी ओके सो विच कंप्यूटर मेमोरी यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा करेंटली बींग प्रोसेस बाई सी पी यू की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन टू हो गया इंटरनल मेमोरी उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेसर हैज डायरेक्ट एक्सेस टू डैश एंड कंटेन ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डेटा चैनल्स की बात करें दैट इज मेन मेमोरी उसका द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर्स टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस क्या है दोस्तों इंटरनल मेमोरी ऑप्शन टू इज द राइट आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस की बात करें तो ऑप्शन ये हो गया दोस्तों मदर बोर्ड ओके द मेन सर्किट बोर्ड इन द कंप्यूटर दट कनेक्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज ऑप्शन वन हो गया मदर बोर्ड पर्सनल कंप्यूटर यूज ए नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन मेन सर्किट बोर्ड सो वट इज अ कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड मतलब एक कॉमन नेम रखा गया है जो नंबर ऑफ चिप्स उसमें लगे होते हैं मैंने पढ़ाया भी था आपको मदर बोर्ड कहा जाता है दोस्तों हर चीज इसी से ही कनेक्ट होती है उसके बाद विच ऑफ़ द फॉलिंग और द कॉम्पोनेट्स दट रिसाइड ऑन मदर बोर्ड की बात करें तो सारे के सारे होते हैं सीमॉस बैटरी होती है ये भी मैंने बताया आपको फैन होता है दोस्तों ये भी मैंने बताया आपको पी सी एस लॉट होता है तो ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर नेक्स्ट द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सी पी यू मेमोरी एंड फेरीफुरल इज कॉल्ड क्या कहते हैं इसको करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन बस हो गया दोस्तों राइट डैश कनेक्ट कॉम्पोनेंट इनसाइड द मदर बोर्ड लाइक सी पी यू एंड सिस्टम मेमोरी की बात करें तो ऑप्शन थ्री हो गया इंटरनल बस अड्रेस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसोज कैरिड आउट बाई दिन थ्री हो गया अड्रेस बस हो गया दोस्तों फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज ऑप्शन टू दट इज अड्रस बस ओके द रीड राइट लाइन बिलोंग टू ओके रीड राइट लाइन बिलोंग टू द कंट्रोल बस से बिलोंग करती है दोस्तों okay. चलिए नेक्स्ट देखते हैं Next uh, the name of the location of a particular piece of data is its option one address ho gaya, okay. which of the following used to connect the different uh, external devices ki baat to option four ho gaya external bus okay. and which is not an integral part of computer ki baat that is option four ho gaya, UPS. Okay. So device that not only provides such protection but also furnishes the computer with battery backup power during the power outage. क्या कहा जाता है दैट इज ऑप्शन टू हो गया यूपीएस ए टेम्पररी स्टोरेज एरिया अटैच टू सी पी फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन इज ऑप्शन टू हो गया दोस्तों बफर ओके नेक्स्ट मेजर द स्पीड ऑफ प्रोसेसर डैश इज यूज क्या यूज किया जाता है ऑप्शन टू हो गया क्लॉक स्पीड नेक्स्ट ए यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ सीपी टाइम अलोकेटेड फॉर यूज इन परफॉर्मिंग टास्क इज नोन एज ऑप्शन फोर हो गया टाइम स्लाइस इसको कहा जाता है नेक्स्ट वाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ डीएमए मैंने बताया था आपको डी एम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑप्शन वन इज़ द राइट आंसर और मशीन साइकिल इंक्लूड्स मैंने कहा था ना आपको कि स्किप क्वेश्चन बनाया जाएगा ओके okay? तो क्या क्या होता है दोस्तों मशीन साइकिल uh, में अभी तक आपको आंसर आ जाना चाहिए ओके okay? फेच है डी है एग्जीक्यूट है स्टोर है या नन ऑफ दिस है करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन फाइव नन ऑफ दिस जी हाँ आपने सही सुना आप इंस्ट्रक्शन साइकिल देख रहे हैं ये लोग मशीन साइकिल इज डिफरेंट फ्रॉम देम When machine instructions are being executed by computer, the instruction phase followed by execution phase is referred to as option three instruction cycle. So dash is a process of carrying out commands kare So then right answer will be that is option 4 executing. And the processor must have two inputs that is instruction and data. Okay. Next, dash defines the parameter of action and depends on the operation. So option 2 operand. उसके बाद पाइपलाइन स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड ऑप्शन टू इंस्ट्रक्शन कहा जाता है दोस्तों इंस्ट्रक्शन प्रीफेच उसके बाद ऑन द द कनेक्शन फॉर चिप टू एस ऑप्शन टू सॉकेट्स हो गया ठीक है ऑन मदर बोर्ड कनेक्शन पॉइंट फॉर चिप रेफर टू एस सॉकेट्स सो दिस इज अबाउट द एंड ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा एमसीक्यूज करने के बाद और भी आपको अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी तो चलिए मिलता हूँ मैं इसके थर्ड चैप्टर में अगले लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों टेक केयर स्टे सेफ स्टे हेल्थी थैंक यू सो मच